क्या आप भी अपना पैसा आने वाले कुछ महीनों के अंदर डबल करना चाहते हैं? तो ये स्टॉक आपके लिए है। मैं आज आपके लिए एक लेके आया हूँ, छोटा बजाज फाइनेंस, जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो 81 रुपया है। ये आगे चल के बजाज फाइनेंस बन सकता है। ये अभी रिसेंटली 2023 में लिस्टेड हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, बट ये आगे चल के बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना स्टॉक होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और इसमें जो प्रॉफिट है, सेल्स का प्रॉफिट है और ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है। मैं 1 by 1 सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बट जब से ये लिस्ट हुआ है ये स्टॉक, अभी इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। ये 11% अभी माइनस है जब से ये लिस्ट हुआ है। यदि मैं मैक्सिमम में क्लिक करूँ तो ये कब लिस्ट हुआ है, 18 अगस्त 2023 से, अभी इसने कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं दिया है। बट ये सब आप मत देखिए, इससे आपको अभी देखो, जब से ये केवल 11% ही गिरा है, बट जो मेन रीजन है इसमें इन्वेस्ट करने का वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 60% है और म्यूचुअल फंड वालों ने 11% ऑलमोस्ट 12% इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके माने ये स्टॉक अच्छा है, तभी म्यूचुअल फंड वाले बंदों ने इन्वेस्ट कर रखा है। और मैं बात करूं फॉरेन बंदों की, तो वो 2.86% इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ये मार्च में म्यूचुअल फंड वाले बंदों ने इसमें अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। और मैं इधर क्लिक करके फॉरेन का देखूं, तो वो दिसंबर में तो डिक्रीज किए थे, फिर मार्च में इंक्रीज कर लिया था। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब ये स्टॉक लेस प्राइस में मिलता है तो ये फॉरेन के बंदे म्यूचुअल फंड होल्डिंग वाले सारे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं इसका जो प्रॉफिट दिखाऊं, पहले इस स्टॉक का नाम मैं बता देता हूं, SBFC फाइनेंस करके है, और इसका जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है 81 रुपया है, और इसका मार्केट कैप मैं बताऊं तो 8,708 करोड़ है, तो मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। और सेल्स देखो, ये सेल्स कितना करती है, बेचती कितना है, 25% ऑलमोस्ट 26% सेल्स किया है 2023 में। और इसका जो सेल्स देखा जाए 5 साल के अंदर तो 41% ऑलमोस्ट 42%, तो सेल्स तो बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो प्रॉफिट 3 साल में देखा जाए तो 40% है। इसके माने ये 1 रुपया इन्वेस्ट कहीं करता है तो 40 पैसा इसको प्रॉफिट होता है, और 5 साल में देखा जाए तो ये 57% इसका प्रॉफिट है। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग की बात तो मैंने कर ही दी थी, 60% प्रमोटर होल्डिंग है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।